हम एड्स की बात करेंगे, मतलब पहले साबुन होते थे वो जरासीम मारा करते थे 99%, फिर टेक्नोलॉजी बेहतर हुई 99.9% जरासीम मरने लग गए, और अब हम इतना आगे निकल आए हैं कि हम 99.9999999% मार देते हैं। लेकिन वो एक कीटाणु पीछे हमेशा रह जाता है। और मैं आपको बताता चलूं, वो एक कीटाणु जो रह जाता है वही हैजे का होता है। मुझे वो साबुन चाहिए जो इसको मार सकता है। अजीब, मत इस एक कीटाणु की वजह से बनियन और जरासीम दोबारा पैदा हो जाती है। ऊपर से वो क्या कहते हैं, डेंटिस्ट सेंसोडाइन, 10 में से 8 डॉक्टर्स का मानना है कि सेंसोडाइन आपके दांतों के लिए बेहतरीन है। मुझे वो 2 डॉक्टर चाहिए। असल बात उनको पता है। वो सेंसोडाइन वाले निकले थे, डॉक्टर साहब सेंसोडाइन बेचना है, डॉक्टर साहब सेंसोडाइन बेचना है, सर बेचना है, सर बेचना है। उन दोनों ने कहा नहीं, हम अपने कस्टमर से झूठ नहीं बोल सकते। वो दैट्स दैट दोज आर द गाइड। और एड्स में अजीब, मतलब डॉक्टर पता नहीं किस, जैसे नासा की लैब में खड़ा हो ना, पीछे गोरी गोरी लड़कियां पैड्स आईपैड्स लेके फिर रही हैं, अजीब सीन। और कभी भी उनका मुंह उनकी बात का साथ नहीं देता। मैं काशिफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वो डॉक्टर्स वाला मुंह बना सकें जरा प्लीज, आप इनकी तरफ देखिएगा। हमारी रिसर्च का मानना है कि आम साबुन 5 बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकते, हालांकि वो आम साबुन भी हमारी कंपनी ही बनाया करती थी। मतलब क्यों करोड़ों रुपए लगा के एक मुंह नहीं सीधा कर सकते आप? व्हाट इज गोइंग ऑन? और अजीब अजीब गैजेट्स होते हैं उनके, मुझे नहीं समझ आती ये टॉर्च कहां से मिलती है जिसे हाथ पे मारो तो जरासीम नजर आने शुरू हो जाते हैं। और मामा खड़ी होती है, हो जरासीम नजर आ रहा है मुझे, वो वाला ये देखो मुख्तलिफ रंग के जरासीम कहां होता है? मतलब ऐसे ऐसे गैजेट्स दिखाते हैं, इजाद ही नहीं हुए अभी तक। हमने तो आज तक वही डॉक्टर देखे हैं जो ओपन हार्ट सर्जरी पे भी छींक देते हैं, फिर टिश्यू लेके साफ कर रहे होते हैं।